हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लेयर्ड शॉर्ट श्रग, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है और एक छोटा सा पीस मैंने नेट फैब्रिक का यूज़ किया है, जिसमें हम योक पार्ट बनाएंगे। योक की जो लेंथ रहेगी वो 10.5 इंचेस रहेगी। फ्रंट और बैक दोनों के लिए हम लेंथ ले रहे हैं। वेथ यहाँ पर 24 इंचेस है। इसको हम बाद में कट करेंगे अपनी शोल्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब इसको लेंथ वाइज मैंने फोल्ड किया है। अब हम विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। अब हम इसके यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर शोल्डर का जो मेजरमेंट है हाफ में, वो 7.5 इंचेस है और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लेके कपड़े को कट किया है। नेक विड्थ यहाँ पर मार्क करेंगे 3 इंचेस। नेक की डिपनेस हम बैक के लिए 1 इंच लेंगे और फ्रंट के लिए जितना भी कपड़ा है हम पूरा इसको यूज कर लेंगे। बैक नेक के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट के लिए हम वी शेप नेक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बैक नेक को कट कर लेंगे। इस पार्ट को ओपन करते हुए हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर योक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें अपनी बॉडीज की कटिंग करनी है। देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है। अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ मैंने यहाँ पर कितना फैब्रिक यूज़ किया है। यहाँ पर विड्थ जो मैंने रखी है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है। चेस्ट से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 46 इंचेस हैं। अब हम लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर जो श्रग की लेंथ रहेगी वो 26 इंचेस है। यहाँ पर जो हमने लेंथ ली है वो फ्रंट और बैक दोनों के लिए मिलाकर ली है, क्योंकि हमें दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करनी है। अब हमें कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। दोनों साइड हमें कट लगानी है इस तरह से और ऊपर का जो हिस्सा रहेगा ये हमारा चेस्ट राउंड है, जिसमें हम अपनी आर्महोल की कटिंग करेंगे। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ये कपड़ा है ये 4 लेयर्स हो गया है, जिसमें एक साइड ओपन एजेस हैं और एक साइड हमारी फोल्डेड है। अब यहाँ पर जो लेंथ रह गई है वो अभी 13 इंचेस रह गई है, जिसमें योक अभी माइनस है। अब हम देखें ओपन एजेस की तरफ से इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करनी है, जिसको हमें इस तरह से कट कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, अब हम इसको ओपन करेंगे। एक हिस्से को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल लेयर श्रग बनानी है। तो इस तरह से एक लेयर हमारी छोटी रहेगी और नीचे की जो लेयर होगी वो हमारी थोड़ी सी इससे बड़ी रहेगी। करीब करीब 3 इंचेस हमें इस तरह से मार्क करनी है। नीचे का जो कपड़ा है हम इसको थोड़ा सा बराबर कट कर लेंगे। यहाँ पर इस पैटर्न को हमें पिन से सिक्योर करेंगे। अब इसको हम सेंटर से अगेन फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखेंगे हमारा ये कपड़ा जो है वो अभी हाफ में है। हाफ का मेजरमेंट होता है चेस्ट का 22 इंचेस प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि हमने जब कपड़ा पूरा लिया था तब हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। अब आप देख सकते हैं 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है जो हमारी फोल्डिंग में काम आएगी। अब मैंने इस कपड़े को दोबारा से फोल्ड किया है। अब हमने अपने योक पार्ट को ले लेनी है। यहाँ पर अभी हमें आर्महोल की कटिंग करनी है, तो साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, जिसको हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे। इस तरह से देखिए, हमें 1 इंच का गैप रख लेना है। मार्जिन इस तरह से हम छोड़ देंगे और उसके बाद से कपड़े को प्लेस करेंगे। जितना भी हिस्सा हम बचेगा हम आर्महोल के लिए रखेंगे। अब देखिए, इस तरह से मैंने लाइन के साथ मिला लिया है। योक पार्ट को फोल्ड करने के बाद इसकी हाफ में आर्म लेंथ है करीब करीब 5.5 इंचेस। अब नीचे से हमें करीब 2.5 इंचेस मार्क करते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे, जिसमें हमारा टोटल लेंथ करीब 8 इंचेस हो जाएगा। इसके अंदर हम अपनी आर्महोल के लिए शेप रेडी करेंगे इस तरह से। अब इस पार्ट को हमें कट कर लेना है।
अभी हम इसको ओपन करके दिखाते हैं किस तरह से हमारी यहाँ पर कटिंग हुई है। देखिए इस तरह से हमारे पास दो आर्मोल रेडी हो गए हैं। अब बैक साइड को देखेंगे, हमारे बिल्कुल यहाँ पर कपड़ा बराबर आया है जिसको हम बैक के साथ अटैच करेंगे। और इस तरह से ये फ्रंट का लेयर है जो इस तरह से फ्रंट की तरफ आएगी और फ्रंट का योग इसी के साथ जुड़ेगा। और साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारी यहाँ पर कटिंग हुई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। यहाँ पर स्लीव्स बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पर कपड़े को हमने लेंथ वाइज डबल फोल्ड करना है। इसकी लेंथ यहाँ पर 20.5 है। यहाँ पर हम बेल स्लीव्स बनाएंगे। बेल स्लीव्स के लिए हमें विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा। विड्थ यहाँ पर 28 इंचेस है। कपड़े को अभी हमें 4 फोल्ड करना है। पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ मार्क करनी है। सबसे पहले एल्बो लेंथ मार्क करके रख लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पर 10.5 मार्क करेंगे। आप नीचे से जो लेंथ बच गया है वो 10 इंचेस है। इस तरफ हमें स्लीव्स बाइसेप मार्क करनी है। जो आर्म लेंथ रहेगी हमारी 8 इंचेस और कैप हाइट हम मार्क करेंगे 3.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लीव्स की आर्म होल रेडी करनी है। इस तरह से सेम के लिए आर्म होल हम रेडी करेंगे। एल्बो राउंड जितनी भी होती है हम उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे जो होता है 9 इंचेस। एक तरफ हमारा 10 इंचेस है तो दूसरे तरफ हम -3 करेंगे, जैसे 7 इंचेस मार्क करेंगे। और इस पॉइंट को हम तिरछा मिलाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्लीव्स की गहरा ज़्यादा रखनी है। सभी पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। अब नीचे से हमें इस तरह से कर्व शेप बनानी है क्योंकि हमें बेल स्लीव्स बनानी है। फ्रंट आर्महोल के लिए हमें 1/2 इंच अंदर मार्क करते हुए इस तरह से शेप बना लेनी है। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे। फ्रंट आर्महोल की कटिंग हो चुकी है। अब देख सकते हो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। हम बढ़ेंगे स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमें योक पार्ट लेनी है। यहाँ पर योक पार्ट में हमें नेक बनाकर रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बायस पट्टी कट की है और जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1.5 इंच रखी है। योक पार्ट को मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। 1/2 इंच की दूरी में पूरे नेक में हमें सिलाई लगानी है। स्टिच हो गए हैं। अब हम इसमें नॉचेस देंगे। इस तरह से नॉचेस देंगे। कपड़े को बैक साइड में टर्न करते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने नेक बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम अपनी बॉडीज को लेंगे जिसमें हम पूरे घेरे को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी घेरे को स्टिच करेंगे। आप चाहो तो पीको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल खोल करते हो इस तरह से स्टिच कर सकते हो। अब हम शोल्डर से दोनों पीसेस को अलग करेंगे और एक पार्ट को खोलते हुए इसके ऊपर हमें सीधा बिछाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमारा सीधा होना चाहिए और बैक स्कर्ट की इसकी रॉन्ग पोजिशन रहेगी। अब वापस से हम इसमें पिन लगा लेंगे। अब हम योक पार्ट को इसके साथ रखते हुए स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हमें बैक साइड के योक को प्लेस करना है। बैक साइड से पहले स्टिचिंग करेंगे, उल्टा रखना है हमें योक को, उसके बाद फ्रंट में स्टिच करेंगे। तो चलिए मशीन के ऊपर हम इसमें स्टिचिंग करके आपको बताते हैं किस तरह से हम इसको स्टिच करनी है। सबसे पहले बैक साइड लेंगे, योक का बैक हिस्सा लेंगे, इसके ऊपर हमें उल्टा रखेंगे। इसको जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट साइड आएंगे। अब फ्रंट के हिस्से में हमें योक
फ्रंट का योक हमें इस तरह से उल्टा रखना है और इसको सिलना है। देखिए यहाँ पर हमने घेरा बनाते समय हल्का सा कपड़ा बच गया था, तो हम इसको प्लेट के साथ एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा बचा हुआ है, तो जिसमें हम हल्के हल्के प्लेट्स डाल देंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इसी मेथड से हमें दूसरी तरफ भी अपने फ्रंट योक को अटैच करेंगे। दोनों साइड के हिस्से हमारे जुड़ चुके हैं, अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। पूरे रग में हम टॉप स्टिच लगाने के बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी टॉप स्टिच लग गई है। अब हम आर्म होल मेजर करेंगे। आर्म होल राउंड हमारे यहाँ पर 9.5 है। अब हम स्लीव्स पैटर्न को लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के घेरे को हमने ऑलरेडी स्टिच कर लिया है, आप चाहो तो पीको कर सकते हो। अब हम इसको जॉइंट करेंगे, क्योंकि राउंडली हमें यहाँ पर आर्म होल के साथ स्लीव अटैच करेंगे। सबसे पहले ही हम यहाँ पर 9.5 मार्क करेंगे, एल्बो राउंड हम मार्क करेंगे, घेरा हम अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंचेस मार्क करी है। अब सारे पॉइंट्स को हम मिला लेंगे और दोनों तरफ के स्लीव्स को हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पर जॉइंट कर ली है। अब हम इसको आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमें रॉन्ग साइड में अपने श्रग को रखनी है और स्लीव्स को हमें सीधी तरफ रखनी है। और दोनों जॉइंट को हम मिलाएंगे, स्लीव्स के जॉइंट और आर्म होल की साइड हमने एक मार्क लगाई है, और दोनों जॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। ध्यान रखें स्लीव्स को हमें श्रग के अंदर के साइड से लेनी है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इंसर्ट करी है, और इस तरह से हमें 2-3 पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से पिन लगाकर सिक्योर करने से क्या होगा ना, हम अच्छे से इसको स्टिच कर पाएंगे। देखिए एक तरफ हमने पिन लगाकर रेडी कर ली है। सेम मेथड से हमें दूसरे साइड के स्लीव्स को भी इस तरह से पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे और बाद में इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ के स्लीव्स अटैच कर ली है, और आप देख सकते हो हमने स्लीव्स में और पूरे बॉडी में पॉम पॉम प्लेस लगाकर रेडी कर ली है, जिसके वजह से इसकी लुक कुछ डिफरेंट लग रही है। अब ये श्रग हमारी बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। आप इसे किसी भी लॉन्ग ड्रेस के ऊपर कैरी कर सकते हो या फिर किसी टॉप के ऊपर भी आप वेयर कर सकते हो। सभी में इसकी लुक बहुत ही प्रीटी लगती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको यूज़फुल लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना मत भूलें। इस तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।